नहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज है जीबी में, यस, और ये है हमारा कुशभद्रा पैलेस। हाँ, ये होमस्टे, या होमस्टे, जो होमस्टे, ये बहुत सही जगह है। इनफैक्ट ये हम लोग ने एयरबीएनबी से बुक किया था, और इनफैक्ट बहुत ही रीजनेबल रेट, और ये जगह जैसा हमने फोटो में देखा था उससे तो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और हमको ये इतना ईजिली मिल भी गया। और ये जब मौसम, जब हम लोग आए हैं अप्रैल का मौसम है, और फिर भी क्या मस्त ठंडा हवा है, मतलब इनफैक्ट शाम का टाइम ज्यादा ही बहुत टाइप का मौसम है, मिल रहा है, सुबह थोड़ा धूप हो जाता है, शाम में बारिश, ठंड, और जैसे अच्छा खासा धूप भी है, राइट, तो एंजॉयबल है बहुत, मौसम तो बहुत एंजॉयबल, राइट, और बहुत अच्छे लोकेशन है। तो मैं तो बोलूंगा चलो आपको बाकी का जगह भी दिखाते हैं ऊपर की तरफ क्या है, तो चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अब ये हमारा स्टे था, यहाँ पे हम लोग रुके, इसमें दो फ्लोर है, तो हम लोग तो ऊपर वाले फ्लोर में रुके, ये नीचे भी दो रूम है, ऊपर भी दो रूम है। ऊपर चलते चलो। तो ऊपर भी ये वाला जो है एक ए शेप का कॉटेज है, ये भी एक रेंट रेंट के लिए बनाया है। हाँ। इनके पास यानी तीन पीसेस है, इसमें दो पीस और इसमें एक पीस, और मेरे ख्याल से और भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मे बी आओ और ऊपर आओ। अब कैसे बताऊं इन शहरों का हो गया, इस भीड़ भाड़ में कहीं खो गया। यहां से इनका एंट्रेंस बोल सकते हैं हम। हाँ, ये इनका एंट्रेंस है, और एक्चुअली इस तरफ देखेंगे तो इनका घर है और किचन भी, जहाँ से हमारा खाना बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट होममेड खाना। तो ये इनका जो पूरा फैमिली है इधर ही रहता है। हम लोग एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। हाँ, तो ये इनका घर वाला एरिया हो गया, हम लोग एंट्रेंस की तरफ चलते हैं ऊपर। एक्चुअली यहाँ पे आने के लिए, ये जगह बहुत सुंदर है, लेकिन होता है ना कि कोई भी सुंदर जगह आने के लिए तुम्हें थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेहनत ये है कि ये रोड से अबाउट 300 फीट नीचे है, सॉरी 300 मीटर नीचे है, और 300 मीटर भी ऐसे नॉर्मल नीचे नहीं है, पूरा वर्टिकल। वो ऊपर घर दिख रहा है क्या? वो घर के पास हम लोग को वॉक करके नीचे आना पड़ा था, और ये जो रास्ता ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे पूरा काइंड ऑफ वर्टिकली है। हाँ, ऐसे 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 करके रास्ता, तो उससे आना पड़ता है। नीचे आने में तो दिक्कत नहीं है, ऊपर आने में थोड़ा हालत खराब होता है। यहाँ पर काफी फूलों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स से भरा हुआ है ये पूरा, येलो, ऑरेंज, वाइट, कुछ पर्पल्स भी है, और ये जो यहाँ एक बहुत अच्छा चीज देखने को मिलेगा इस स्टे में, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जो हिमाचली पत्थर के जो सीलिंग होता है, रूफ होता है, वैसा ही वो भी है, और ये यहाँ के वेदर के हिसाब से ये काफी मतलब सस्टेनेबल माना जाता है ये, और ये भी शायद आगे जाके इसको बहुत ही सुंदर बना देंगे। वैसे जगह थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और भी चीजें ऐड अप हो रहा है। हाँ, लेकिन ये नया एक अलग चार्म भी ऐड करता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये थोड़ा सा आपको रॉ फील देता है कि मतलब रूरल लैंडस्केप ऑफ हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ पर जैसे काफी पाइन के ट्रीज हैं, ऊपर कुछ देवदार के पेड़ भी हैं, और एक और पेड़ भी है यहाँ जो लोकल भाषा में उसका बान बोलते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर हाई एलिवेशन पे है, और ये पे फोकस करते हैं। हाँ, ये बहुत ये एक अच्छा है, बहुत सुंदर, इसमें लाइटिंग लगा हुआ है, तो रात में काफी खूबसूरत दिखते हैं, और ये जो एक स्टोन्स के जो स्लैब्स के जो कवर बाउंड्री टाइप से बने हुए हैं, ये अलग टाइप के चार्म देता है, जैसे कि हिमालयन, ट्रांस हिमालयन रीजन का। और वैसे यहाँ से भी हम लोग जैसे दिखा रहे थे, अभी यहाँ से भी हम लोग वो सेम कॉटेज जो है, हाँ, ये इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं।
हाँ ये हमारा स्टे, आपको रूम टूर कराती हूँ, आ जाओ आ जाओ। ये है हमारा प्यारा सा रूम, है ना सुंदर? और ये कवर दिया है इन्होंने, क्या ये दिया है? टी टेबल, कॉफी टेबल। आप यहाँ पे खाना खा सकते हो, बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो थोड़ी देर व्यू को देखते हुए। और फिर ये हमारा साथ में एक और अटैच रूम है, ये देख लो। और दिखाती हूँ इसके साथ अटैच्ड बाथरूम है। मस्त है ना? ये स्टेयर सीधे हमें रिवर साइड ले आते हैं, तीर्थन रिवर की तरफ। और ये इनका एक छोटा सा प्लांटेशन बोल प्लांटेशन है, गार्डन है, ऑर्चर्ड बोल सकते हैं। ये एप्पल्स के पेड़ है, वो आपका प्लम का है, और पीछे पियर्स का है। एक छोटा सा ये ऑर्चर्ड है। और ये जो ट्रैक है ट्रेल, ये हमें रिवर साइड ले जाते हैं, तीर्थन रिवर। ये बहुत प्यारा सा इनका ट्रैक है टुवर्ड्स द रिवर। कुछ हर्ब्स का पेड़ भी है यहाँ पर, पौधे मतलब बोलना चाहिए। और ये है सीधे तीर्थन रिवर, जो काफी पास में है स्टेज। और इसी वजह से हमारे कॉटेज से भी ये जो रिवर का साउंड आते जो रहता है वो इतना कामिंग रहता है। तीर्थन रिवर के पास पहुंच चुके हैं। और ये जो कलकल की जो आवाज है काफी खूबसूरत, मतलब थेरेप्यूटिक है ये। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको भी पसंद आया तो अभी इस जगह को जरूर एक्सप्लोर करना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा, बाय बाय।